जब तक प्यासे को कुएं से मिलवाएंगे नहीं, दोनों हाथ कैसे आएंगे? लायन, चीता, टाइगर, एलिफेंट, वेरी डेंजरस, बट नॉट इन जुरासिक पार्क। तीस गोलियां छिड़ी थी आप पे, हर गोली का जवाब हजार गोलियों से दूंगा। मैं तुझे उसी दिन मार सकता था, लेकिन तेरी पूरी बुनियाद को हिलाकर रख देना चाहता था। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या रॉकी सलार में आएगा? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, क्योंकि ये एक अलग ही दुनिया है और ये बात प्रशांत नील ने खुद बताई है। मतलब भाई कि उन्होंने एक ही झटके में सारी थ्योरी की धनचिया उड़ा के रख दी है, और ये बात सुनकर हम ऑडियंस को कितना बड़ा सदमा लग गया। लेकिन फिर भी गिंतु परिंतु जो नील साहब ने हमें दुनिया दिखाई है वो पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, और इसका ट्रेलर देखने के बाद हमें लगता है कि यार ये केजीएफ से कहीं भी कम नहीं है, क्योंकि इस मूवी में कई सारे कबीले, उन कबीलों की बैक स्टोरी, उन कबीलों का आउटफिट और खान सर की एक अलग ही दुनिया। तो भाई साहब मानना पड़ेगा, तो जो कुछ भी ट्रेलर में हमें दिखाया गया है उस पर एक एक करके बात करते हैं। तो मैं फैलन टॉक्स वापस आ गए एक और धमाकेदार वीडियो में। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप भी साउथ की एक एक्शन से भरी मूवी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना। तो चलो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सलार के ट्रेलर में हमें जो देखने को मिला है, तो हजार साल पहले मोहम्मद गजनी और चंगेज खान जैसे बड़े बड़े बादशाह ने इस खानसर पर हमला किया था और इन लोगों को अपने कब्जे में किया, और ये लोग भी यहाँ पर रहने लगे। और यहाँ पे क्या खास बात है और यहाँ से क्या निकल रहा है ये तो हमें ट्रेलर में नहीं दिखाया। ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि वो डकैत लोग यहाँ पे अपना डेरा डाल के क्या निकाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और वही लोग यहाँ पे अपना डेरा डालकर धीरे धीरे से एक किला बना लेते हैं, और उससे आगे जाकर ये लोग इसे एक साम्राज्य बना लेते हैं। मतलब के हजारों साल पहले खान सर जब ऐसे दिखता था, अब वो ऐसे दिखने लग गया है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि यहाँ पे पहले कैसा गेट था और अब कैसा गेट है। तो खैर, खान सर जो एक साम्राज्य बन चुका है, यहाँ पे आज से पहले ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई हमला हुआ और ना ही कोई जंग हुई। तो अब कांसर के हमले के हजार साल बाद यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का सिंहासन अब सबको चाहिए। तो अब ऐसा क्या हुआ कि ये लोगों को अब कांसर की कुर्सी चाहिए? तो ये लोग है कौन? जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, यहाँ पे क्या मिलने वाला है वो तो पता नहीं, लेकिन इतना बताया गया है कि राजा मन्ना के लौटने से पहले वो वर्दा को मारना चाहते हैं और वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। और ये लोग है कौन ये भी बताया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया था कि मोहम्मद गजनी और चंगेज खान जैसे बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हमला किया था, लेकिन वो एक बिल्ले की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो तीन कबीलों की बात कर रहे थे जिन्होंने मिलकर ये खानसर बनाया था। और इसी खानसर के सिंहासन के पीछे आपको तीन स्टैचू भी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बुल वाला, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कबीला था, तो शायद यही वो पहला कबीला था जिसने खानसर पे सबसे पहले हमला किया था। तो देखना हमें पास्ट में यही एक स्टैचू हमें यहाँ पे एक दिखता है। तो यही वो लोग थे जिन्होंने खानसर पर सबसे पहले अपना झंडा गाड़ा था, और ऐसा ही मुकुट अपने सर पर भी पहना हुआ था। तो पहले वाले लोग बुल वाले का एक मुकुट पहनते थे, और अब के लोग वैसा ही एक लॉकेट पहनते हैं। और इंटरेस्टिंग न्यूज यहाँ पे ये है कि जैसी ही रिंग हमें उस स्टैचू के नाक में देखने को मिली थी, वैसी ही रिंग हमें राजमन्नार और वर्दा के नाक में भी देखने को मिली थी। मतलब ये कि इस सम्राट के तीन कबीलों को प्रशांत नील ने उन तीन स्टैचू के कबीलों जैसा ही आउटफिट दिया है, और वो तीन स्टैचू जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, उनके लोग भी वैसे ही आउटफिट में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यही वो दो बंदे हैं जिनके लिए हमें ट्रेलर में एक डायलॉग भी सुनने को मिलता है। तो हाँ भाई, अब तो ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया है कि वर्दा को जो लोग मारने आ रहे हैं और खानसर पर जो हमला करने जा रहे हैं वो इन्हीं तीन कबीलों में से बाकी दो कबीले हैं, और वो दो कबीले नारंग और गुरु के होने वाले हैं। तो ये लोग जब खानसर पर सबसे पहले हमला करते हैं तो गरोड़ा को हरा देते हैं, और उसके बाद गरोड़ा जाता है देवा के पास हेल्प के लिए, और देवा गरोड़ा के सम्राट को उसको वापस करने के लिए और उसकी हेल्प करने के लिए उसको हाँ बोल देता है। और उसके बाद देवा खानसर पर हमला करता है और उस सम्राट को हासिल करके वहाँ का सरदार गरोड़ा को बना देता है। और अब देखना यह है कि देवा वहाँ पे हमला करके उस सम्राट को खुद हासिल कर लेता है, और सम्राट को हासिल करने के बाद खुद उस गद्दी पर बैठता है या गरोड़ा को बैठाता है। क्योंकि प्रशांत नील ने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि ये कहानी दो दोस्तों की है, जो कि पहले दोस्त होते हैं और बाद में वही दोनों दुश्मन बन जाते हैं, और आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। तो अगर हम इस मूवी के बजट की बात करें तो ये मूवी 400 करोड़ की होने वाली है। तो सबसे बड़ी न्यूज़ के जो लोग समझते थे कि इस मूवी में हमें केजीएफ
के रॉकी भाई का कैमियो भी देखने को मिलेगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि ना ही ये केजीएफ के साथ कनेक्टेड है और ना ही ये उसके यूनिवर्स की होने वाली है। और ये मूवी हमें इसी महीने 22 दिसंबर को देखने को मिलेगी। तो ये थी आज हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के बाय बाय।